नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली दंगे पूर्व नियोजित थे, यानी पहले से प्लान किए हुए थे। यह दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, ये आपको बताते हैं किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर। और सबसे बड़ी बात यह है, इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिए, आपको बताएंगे कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में आज दिल्ली हाई कोर्ट से जो ये बात निकल करके आई है, जो आदेश आया है, इसके साथ साथ पहले किस तरह से एस मुरलीधर, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के ही जज थे, और उनके रहते हुए किस तरह से उनका रातों रात तबादला हो गया था, क्या कुछ उन्होंने कहा था, और कपिल मिश्रा ने अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर टिप्पणी में क्या कुछ कहा है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, आप अंत तक जरूर देखिए। ये आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, दिल्ली दंगे पूर्व नियोजित थे, पहले से प्लान की गई थी साजिश, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखिए इसमें क्या कुछ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में हुई दिल्ली दंगों को लेकर के कहा है कि सुनियोजित थे, इसको सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया। दंगे किसी घटना की प्रतिक्रिया की वजह से नहीं हुए थे। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो वीडियो फुटेज कोर्ट में पेश किए हैं, उनमें से प्रदर्शनकारियों का उच्चारण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को भी बाधित करने के लिए सुनियोजित ढंग से दंगे करवाए गए। यह भी कहा है कोर्ट ने कि जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, उनको निष्क्रिय करना शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए एक पूर्व नियोजित साजिश था। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन किस मामले में कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने, ये आप सुनिए। ये अमर उजाला की खबर आप देखिए, दिल्ली दंगा हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के एक आरोपी को मिली जमानत, दूसरे को नहीं। अब इस जमानत के ऊपर जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने आरोपी मोहम्मद सलीम खान को जमानत प्रदान की है, जबकि मोहम्मद इब्राहिम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इब्राहिम को हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या और दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यहां पर दो मुस्लिम आरोपी थे, एक का नाम है मोहम्मद इब्राहिम और एक का नाम है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम को जमानत दे दी है, मोहम्मद इब्राहिम को जो है वो जमानत नहीं दी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पहले से दंगे जो है प्रायोजित थे। अब आपको एक छोटी सी चीज दिखाते हैं, ये आप देखिए, दिल्ली दंगे को लेकर के ये रिपोर्ट में आया था। दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि 24 और 26 फरवरी को बीच में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी और मारे गए 53 लोगों में से 38 मुस्लिम थे। मारे गए जो लोग थे उनमें से 53 जो है वो 38 थे, बाकी के जो है वो हिंदू थे। अब यहां पर जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि पूर्व नियोजित थे और इससे पहले क्या कुछ हुआ था किसी दिल्ली कोर्ट में और जज साहब जो है वो दूसरे थे। ये आप देखिए, दिल्ली हिंसा की जांच की सुनवाई कर रहे जज मुरलीधर का तबादला, पुलिस को लगाई फटकार। जज एस मुरलीधर ने कोर्ट के अंदर चलाने के लिए कहा था, जो अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा ने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर के कोर्ट ने वकील से कहा था कि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या कुछ बयानबाजी दी है, वो कैसेट, वो क्लिप जो है वो कोर्ट के अंदर चलवाई गई थी। और उसके बाद में रातों रात जो है जज साहब का तबादला हो गया था। यह आप देखिए पत्रिका की खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधर का तबादला, हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी। दिल्ली पुलिस को कहा था कि आपको यही नहीं मालूम कि क्या कुछ जो है वो आपके सामने, आपके डीसीपी के सामने खड़े होकर के कपिल मिश्रा ने बयान दिया। ये तब के जज एस मुरलीधर ने दिल्ली हाई कोर्ट में, इसी दिल्ली हाई कोर्ट में ये बयान दिया था। और आज दिल्ली हाई कोर्ट क्या कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ही कह रहा है कि ये दंगे जो है वो पूर्व नियोजित थे। बिल्कुल सही बात है, दंगे ये कई सारी रिपोर्ट से देख करके लगता है कि दंगे जो है वो अचानक से नहीं हुए थे, बल्कि दंगे पूर्व नियोजित थे, प्लान के तहत जो है करे गए थे। लेकिन एक ही पक्ष के ज्यादा लोग मरे हैं, 53 में से 38 मुसलमान मरे हैं, जेल में बंद है वो भी मुसलमान है। तो फिर बात यह है कि मुसलमान ही जेल में ज्यादा है, मुसलमानों ने ही मुसलमानों को मारा, क्या एक ही पक्ष को लेकर के सब कुछ है? दूसरी तरफ से आप देखिए अनुराग ठाकुर, दूसरी तरफ से आप देखिए कि कपिल मिश्रा, ये तमाम नेता जो है, ये प्रवेश वर्मा, इन्होंने क्या कुछ बयानबाजी उस वक्त में की थी सबको मालूम है, लेकिन उनमें से किसी के ऊपर FIR हुई? जेल की बात तो छोड़ दीजिए आप, FIR तक नहीं हुई। कपिल मिश्रा का दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में
क्या जवाब आया वो आपको बताते हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कहा है? कपिल मिश्रा ने कहा कि डेढ़ साल से हम यही कह रहे थे, आज हाईकोर्ट ने जो कहा है, दिल्ली दंगे सुनियोजित तैयारी से थे, हथियार इकट्ठे करके हजारों लोगों को मारने की योजना बनाकर किए गए, मीडिया में बैठे लोग, बड़े लोग, कई राजनेता और फर्जी इंटेलेक्चुअल इन आतंकियों को बचाने के खिलाफ मेरे लिए झूठे जाम लगाते रहे। ये दिल्ली दंगे को लेकर के कपिल मिश्रा अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है। जो ये टिप्पणी आई है दिल्ली दंगों को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद में कपिल मिश्रा अपने आप को जो है वो सफाई दे रहा, सर्टिफिकेट दे रहा अपने आप को कि मैं पाक साफ साबित हो गया हूं। ये जो है दिल्ली दंगों का जो टिप्पणी आई उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप ये बताइए कि कहीं पर भी कोर्ट की टिप्पणी में कहीं पर भी ये कहा गया है कि इसमें कपिल मिश्रा उसका नाम नहीं है, ये कपिल मिश्रा ने इसमें कोई साजिश नहीं रची? क्या इसमें कहीं पर भी इसको सर्टिफिकेट मिली है? लेकिन किस तरह से कोर्ट की टिप्पणी को ये लोग अपने लिए तमगे की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोर्ट को भी इस बात को सोचना चाहिए कि उनकी इस टिप्पणी का ये लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई जो है गंभीर सवाल खड़े कर रहा है जिस तरह से दिल्ली दंगों को लेकर के पूरी जो है वो सुनवाई हो रही है। और दिल्ली दंगों को लेकर के मत भूलिए कि जिस वक्त में देश के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई थी उस वक्त में भी गिरफ्तारियां चल रही थी, लेकिन कभी भी जो है कपिल मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हो ऐसा किसी ने नहीं देखा। जबकि कपिल मिश्रा का जो बयान था वो दुनिया भर में अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, उसको बार बार सुनाना नहीं चाहते। दुनिया भर में वो का बयान मौजूद है जहां पर डीसीपी के सामने वो क्या कुछ कह रहे थे, और ऐसे में उसके बावजूद कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने क्या नारा दिया था वो याद है आपको? और अनुराग ठाकुर जो उस नारे में अपने आप को क्लीन चिट दे गए कि मैंने नहीं कहा, सामने बैठी पब्लिक ने कहा। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और उसके बाद में आप इस तरह के नारे लगवाते हैं और उसमें फिर अपने आप को जो है वो सर्टिफिकेट भी देते हैं और कहीं पर कोई कार्रवाई उन पर नहीं बनती है। परवेश वर्मा ने क्या कहा था? परवेश वर्मा ने कहा था कि मुसलमान आपके घरों में घुसेंगे, आपके घरों में घुस करके, मैं ये बोला नहीं चाहता लेकिन ये परवेश वर्मा ने बोला था उस वक्त में, ये मुसलमान आपके घरों में घुस करके आपकी बहन बेटियों से रेप करेंगे, ये कहा था। क्या आप ये बताइए कि एक समुदाय विशेष के लोगों को ये भड़कावे के लिए, उकसावे के लिए प्रेरित नहीं करता है? ये जो तीनों नेताओं की बयानबाजी आप देख रहे हैं, कपिल मिश्रा, उसके बाद में ये प्रवेश वर्मा और उसके साथ साथ जो है वो अनुराग ठाकुर, तो इन लोगों के जो बयान थे क्या ये फिर लोगों को उकसा नहीं रहे थे? अगर दिल्ली हाईकोर्ट एक तरफ ये कहता है कि पूर्व नियोजित थे, तो पूर्व नियोजित अगर दिल्ली हाईकोर्ट इस बात को कह रहा है तो क्या कहीं पर इनके बयानों का भी संज्ञान लिया जाएगा जो इन्होंने बयान दिए थे? क्या इनके बयानों से बिल्कुल भी एक समुदाय विशेष जो है वो उकसावे में नहीं आया? सीधा सा सवाल है, लेकिन क्या इस पर कहीं पर कोई जांच बैठेगी? क्या इस पर कहीं पर कोई सवाल होगा? ये सारे सवाल है लेकिन इन सवालों का कहीं पर कोई उत्तर नहीं है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट ने जो कहा है उस पर दोनों तरफ से जो है वकील वहां पर लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से अपने अपने दलीलें दे रहे हैं, वो वकील अपनी दलीलें देंगे भी, जाहिर तौर पर कोई काउंटर करेगा भी, लेकिन मीडिया में हम लोग बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो कम से कम कोर्ट ने जो कहा है और जो चीजें दिखाई दे रही हैं उन चीजों की तरफ भी एक इशारा करना बनता है कि ये चीजें भी हैं। क्या माननीय न्यायालय से ये चीजें छूट गई हैं या माननीय न्यायालय ने ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी हैं? ये सारी बातें हैं, ये सारे सवाल हैं, और इन सवाल ये भी है कि क्या अभी भी, क्योंकि न्यायालय में हो सकता है कि न्याय जो है वो देर से मिले लेकिन न्याय जरूर मिलता है, और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली दंगों को लेकर के एक निष्पक्ष तरीके से एक एक आदमी, जो भी, चाहे वो इस धर्म का है चाहे उस धर्म का है, वो एक एक आदमी उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको चिन्हित करके बाकायदा उसको उसको जो भी उसके लिए मुकम्मल सजा होगी वो उसको मिलेगी। लेकिन क्या कुछ लोग जिनके ऊपर खुलेआम आरोप लगे, कुछ लोग जिन्होंने खुलेआम भाषण दिए, क्या पूरी तरह से वो पाक साफ रह जाएंगे? क्या वो पूरी तरह से पाक साफ है? क्या उनके ऊपर कोई दाग नहीं है? महत्वपूर्ण सवाल ये। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।